सभी को नमस्कार। आज की फैमिली है एरिकेसी, जो मोनोकॉट फैमिली है। नया नाम है एरिकेसी, जो पुरानी फैमिली पामी जिसको बोला जाता था पहले, और जेसू ने उसको फैमिली का स्टेटस दिया हुआ था, उस स्टेटस को चेंज करा शुल्ज ने, और ये अब एरिकेसी के नाम से जानी जाती है। आम बोलचाल की भाषा में पाम फैमिली भी इसको बोल देते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े आप ट्री देख ही रहे हैं, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में ताड़ के पेड़ कह देते हैं, या नारियल कह देते हैं, या सुपारी का पेड़ कह देते हैं, सभी इसी तरह के होते हैं। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग ट्रीज़ हैं, लेकिन सब लगभग एक तरीके के होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग फैमिली बन जाती है। तो जैसा कि सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फैमिली का, तो यहाँ पर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड इसमें 189 जेनरा के आसपास हैं और 2350 स्पीशीज़ हैं। ट्रॉपिक्स में अच्छा ग्रो करती है, और अच्छा इसका जो आबादी है वो बहुत बढ़िया है। और वार्म टेम्परेट रीजन्स में भी इसके प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो चाहे अफ्रीका हो, या सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इराक हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो इस तरह की जो जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन है, थोड़ी वार्म है, टेम्परेट है, और फिर साथ में बारिश भी है एक वक्त पे, तो वहाँ पर इनके प्लांट्स अच्छा ग्रो कर जाते हैं। और अच्छी इनमें हमें वहाँ पर एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है इस फैमिली के अंतर्गत। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बेंथम उकर से ही हम अमूमन शुरू करते हैं। तो बेंथम उकर ने मोनोकॉटलीडेंस में रखा था, जो सही रखा था, और साथ में सीरीज थी कैल्सिसिनी। ऑर्डर उन्होंने कोई दिया नहीं था। उसके बाद कंक्रिस्ट ने एरिकेल्स ऑर्डर बनाया, तख्ताजान ने उसे कमिनलिनेंस ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिर डेलग्रीन ने उसको फिर से एरिकेल्स में डाल दिया, थॉर्ने ने भी एरिकेल्स को कंटिन्यू रखा, और एपीजी सिस्टम और एपी वेब ने इसको एरिकेल्स कंटिन्यू माना। तो फिलहाल जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है उसके मुताबिक ये एरिकेल्स ऑर्डर में जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास मोनो कॉटलीडनी है, सीरीज कैल्सिफ्लोरी है, ऑर्डर एरिकेल्स है, और फैमिली एरिकेसी है। सेलियंट फीचर्स की हम बात करते हैं तो मेनली ट्रीज हैं प्लांट में, तो सब आप देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रीज ही मिलते हैं इसमें, और जो स्टेम है वो अनब्रांच की टेंडेंसी रहती है। ज़्यादातर प्लांट में आपको कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं दिखती। ट्रंक जो होता है उस पर लीफ स्कार्स मिल जाते हैं, क्योंकि पत्तियां इसमें गिरती रहती हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पत्तियां गिरती रहती हैं, और हमेशा एक ऊपर की तरफ क्राउन बना रहता है पत्तियों का, और नीचे के स्टेम में पत्तियाँ नहीं होती। चाहे आप नारियल का पेड़ देखें, चाहे आप इसमें खजूर का पेड़ देखें, ताड़ का पेड़ देखें, ये सारे जो जितने भी ट्रीज़ हैं इसमें आप देखते हैं कि एक तो ब्रांचिंग नहीं होती, दूसरा इनके स्टेम पे जो लीफ पहले होती हैं वो गिर जाती है, उनके स्कार्स मिल जाते हैं, और बड़े बड़े इसमें पेटियोल्स पाए जाते हैं। लीफ जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, बड़ी पत्तियां होती हैं, कंपाउंड होती हैं अल्टरनेट, और यंग लीव जो हैं प्लाइकेट होती हैं, और स्टिप्यूल इसमें नहीं होता। तो ये एक एडवांस करेक्टर है जो यहाँ शो हो रहा है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पेथ में होता है। मोनोकॉट्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जब बनता है तो उसमें कवरिंग बाहर की तरफ बनती है, जिसको हम स्पेथ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम भुट्टा खाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ वो पूरी कवरिंग होती है, उसको स्पेथ कहते हैं, और बाद में फिर सीड्स वगैरह उसको हटाने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, इन्फ्लोरेसेंस भी एक कवरिंग में बनता है जिसको कहते हैं स्पेथ। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, पेरियंथ 6 होते हैं, जो कि तीन तीन के दो वर्ल में अरेंज होते हैं। मेल फ्लावर में 6 स्टेमेंस होते हैं, वो भी दो वर्ल में अरेंज होते हैं। एंथर्स वर्सेटाइल होते हैं। फीमेल फ्लावर्स में कार्पल 3 होते हैं, एपोकार्पस कंडीशन होती है, या फिर सिनकार्पस होती है, ओवरी सुपीरियर हो जाती है, ट्राइलोकुलर और रेयरली यूनिलोकुलर मिलती है। फ्रूट बेरी या ड्रूप होते हैं, और सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये तो एक सेलियंट फीचर्स हो गए जो कि फैमिली के हमने यहाँ पर देखे। अब बात करते हैं मेजर जेनरा जो इसमें मिलते हैं। तो एक तो कैलमस है जो सबसे बड़ा इसमें जीनस है, 350 स्पीशीज़ इसकी हैं, और यहाँ पर ये इसका फिगर देख रहे हैं, यही कवरिंग जो है इसको स्पेथ कहते हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। और ये इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है। उसके अलावा बैक्ट्रीज है, इसकी 180 स्पीशीज़ हैं, और ये इस तरह से हमें प्लांट दिखाई पड़ता है।
तो मोनोकॉट के करेक्टर सारे के सारे इसमें हमें दिख जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस भी उसी तरह का दिख रहा है जैसे हमें बाजरा और ज्वार में दिखता है। बाकी पत्तियां आपको लंबी लंबी दिख रही हैं पैरेलल वेनेशन के साथ में। तो ये भी एक बड़ा जीनस है इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर बैक्ट्रिस। पिनेंगा ये 120 स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं और ये बड़े करेक्टरिस्टिक इसके फैन लाइक -like लीव्स होती हैं, जैसे पंखे हाथ से जलने वाले होते हैं उस तरह का बनावट होती है लीफ की। जो आउटलाइन अगर हम करें तो इस तरह से ये फैंस होते हैं और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसकी बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से एक और बड़ा सुंदर प्लांट है लिक्यूला, इसकी 105 स्पीशीज़ हैं और ये आप देख सकते हैं। इसमें भी पत्तियाँ जो हैं उनका अरेंजमेंट बड़ा खूबसूरत सा होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पत्तियाँ देख रहे हैं, बहुत लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जो ओवरऑल अपीरियंस है वो ये पूरी एक लीफ का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक लीफ है। ये बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसको भी लोग गार्डन्स वगैरह में लगा लेते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है जो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो। डिमेनो रॉप्स 100 स्पीशीज़ हैं इसकी और ये थोड़ा सा इतना लंबा प्लांट नहीं होता, होता तो जैसे नॉर्मल कोई भी पाम ट्री होता है उसी तरह से होता है, लेकिन इनमें जो स्टेम है उसमें नोड बड़ी पास पास बन जाती हैं और पत्तियाँ इस तरह निकलती हैं कि ये एक झाड़ नुमा हो जाता है और ट्री नहीं लगता। तो इसमें ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें जो नोड्स हैं बहुत करीब करीब बनती हैं और पत्तियाँ जल्दी गिरती नहीं हैं। जिन प्लांट्स में हाइट बढ़ती चली जाती है वो तो पत्तियाँ नीचे गिराते जाते हैं, लेकिन जिनमें हाइट नहीं बढ़ रही है स्टेम की तो वो पत्तियों को रिटेन करते हैं और इस वजह से ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसकी वैल्यू हो जाती है। उसके बाद एरिका है जो कि इसका टाइप जीनस है, इसकी 60 स्पीशीज होती हैं और ये आप देख रहे हैं अरिका, अरिका नट जिसे सुपारी कहते हैं। और आप अगर कभी आपको मौका मिले केरल और कर्नाटक घूमने का तो वहाँ पे घरों में आपको सुपारी के प्लांट लगे हुए ये पेड़ बड़े बड़े दिख जाएंगे। तो बड़ा जो घर है उसकी जो बाहरी चार दीवारी है उसके बीच में एक ज़मीन वहाँ पे सभी के पास लगभग होती है और सब ये नारियल या फिर अन्य ये सुपारी इनको लगाते हैं। तो उनके यहाँ अगर आप देखें इस वजह से बहुत खूबसूरत भी नज़र आता है जो पूरा एरिया है, और ये प्लांट्स वहाँ पर बहुत कॉमन है। जैसे अपने यहाँ लोग अमरूद वगैरह पहले लगाते थे तो वहाँ पर अभी भी चलन जो है वो इन्हीं पेड़ों का है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है इन पेड़ों के मुताबिक। उसके बाद फिनिक्स है, 17 स्पीशीज़ इसकी हैं और ये आप देख रहे हैं फिनिक्स। ये आपने देखा होगा अपने आसपास एरिया में, हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर ये इस तरह के प्लांट लगे हुए मिल जाते हैं। थोड़ा सा रेगिस्तानी टाइप की तबीयत जहाँ पर होती है वहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस इसके बड़े खूबसूरत से नज़र आते हैं ऑरेंजिश, और ये बड़ी बड़ी पत्तियों का क्राउन है और यहाँ पर ये लीफ स्कार्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। खजूर इसको बोलते हैं और फिनिक्स इसकी 2 स्पीशीज़ हैं, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है और फिनिक्स डक्टाइली फेरा है। तो बहुत मामूली अंतर होता है, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हैबिट की बात करें तो ट्री होते हैं बेसिकली, और श्रब कभी कभी श्रबी हो जाते हैं अगर वो लेंथ ना बढ़े स्टेम की, तो वुड तो बनती है लेकिन हर्बेशियस प्लांट इसमें नहीं होते हैं। अनब्रांच इसमें ट्रंक होता है लेकिन कभी कभी ब्रांचिंग मिलती है। किसमें मिलती है? हाइफीन में और नाइपा में। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हाइफीन है। कभी कभी हम देखते हैं रोड ट्रेन से या बस से गुजर रहे होते हैं तो हमें ब्रांचिंग से नज़र आती है और हम यही कहते हैं कि वो देखिए ताड़ के पेड़ में ब्रांचिंग हो गई, बहुत रेयर काम है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो पेड़ क्या होगा? वो तो या तो हाइफीन होगा या फिर नाइपा होगा, और जो हम अमूमन जो पढ़ते हैं फिनिक्स वो नहीं होता है। तो जो ब्रांचिंग है इन्हीं 2 प्लांट्स में रिपोर्टेड है इस पर्टिकुलर फैमिली में। तो ये कॉन्सेप्ट अपना जो है कि खजूर में ब्रांचिंग हो गई, तो ये ब्रांचिंग खजूर में नहीं हुई है, किसमें हुई है? हाइफीन या फिर नाइपा में। अब इसमें जो स्टेम है उसमें प्रोमिनेंट स्कार्स पाए जाते हैं जो गिरी हुई पत्तियों के द्वारा बने होते हैं, और ये जो लीव्स वगैरह हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं कुछ थोड़े से स्पाइनियस स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्पाइन से बन जाते हैं। इसके अलावा इसमें टैनिन्स और पॉलीफेनॉल्स ये सब बड़ा अच्छी मात्रा में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो भी, उसमें भी फाइबरस शीट बड़ी हार्ड होती है, एपिकल बड वेल प्रोटेक्टेड बाई लीव शीट। अब ये सारे जितने भी ये चीज़ें पड़ी हैं इसमें कारण ये है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सूखी होती है, डेजर्ट कंडीशन होती है, तो वहाँ पर वाटर को रिटेन करने की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं वो प्लांट वहाँ पर अपनाता है।
रूट की बात करते हैं, एडवेंटिशियस नॉर्मली रूट्स होती हैं जो कि बेस से अराइज होती हैं और बल्बस सिस्टम के बेस से, जैसे ये तो स्टेम बल्बस हो गया और ये आप रूट्स देख रहे हैं बहुत सी। किसी किसी प्लांट में जैसे कि मैनिकेरिया है, इसमें जो है वो थोड़ा सा थिक एरियल रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एरियल रूट्स हैं और इसमें बीच में थिक होकर ये लगभग गोल गोल बन जाते हैं, तो ये मैनिकेरिया का एग्जाम्पल है। लीव्स अल्टरनेट होती हैं, टर्मिनल क्राउन बनाती हैं, जैसा हम सभी प्लांट्स में देखते हैं। पीटियोलेट होती हैं, लंबा सा पीटियोल होता है, और पीटियोल जो है उसमें कभी कभी एक कवरिंग सी होती है, फ्लैप होता है, जिसको हम कहते हैं हैस्टुला, या फिर उसका बेस फैस्टुला जो कि बेस पर होता है। और पिननेट होती हैं, पामेट भी हो सकती हैं, जैसे कि जो फैन शेप था उसमें पामेट होंगी, अदरवाइज ये पिननेट लंबी लंबी हो जाती हैं। सेगमेंटेड होती हैं, और कभी कभी दो बार पिनेशन उसमें हो जाता है तो बाई पिनेटली कंपाउंड लीफ हो जाती हैं। और ब्लेड्स जो हैं कभी कभी इंटायर होते हैं, जैसे लिकुला में होते हैं प्लांट। आपने अभी शुरू में जब अलग अलग जनरा दिखाए थे तो उसमें लिकुला बना हुआ था। लीफ सेगमेंट फोल्ड हो जाते हैं वी शेप्ड में, जिसको कहते हैं इनडुप्लीकेट, और या फिर इन्वर्टेड वी शेप में हो जाते हैं, जिसको कहते हैं रीडुप्लीकेट। ये भी क्रॉस सेक्शन में नज़र आ जाते हैं। लीव समटाइम वेरी लार्ज, और ये 20 मीटर तक पहुंच जाती है, जैसे रैफिया फेनीफेरा में। ये लार्जेस्ट लीफ मानी जाती है प्लांट किंगडम की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन और वाइवा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। रैफिया फेनीफेरा, जिसमें कि 20 मीटर लंबी लीफ मिलती है प्लांट किंगडम की, सबसे लार्जेस्ट फिलहाल मानी जाती है। इन्फ्लोरेसेंस एक्जिलरी होता है या फिर टर्मिनल भी हो सकता है, कवर्ड होता है स्पेथ से, जो कवरिंग हमने बताई थी आपको। केले में भी उसी तरह से मिलता है, बनाना का में भी देखिए जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कवर में होता है। और रिपीटेडली ब्रांच हो सकता है और पेनिकल बनाएगा उस केस में, और ये कैलमस में होता है, जो सबसे पहला प्लांट आपने देखा था उसमें इस तरह से पेनिकल बन जाता है, और या फिर स्पाइकेट होता है। तो सब घुमा फिरा के बात वही है कि यहाँ पर जो कवरिंग है वो स्पेथ पाया जाता है, और इसके अलावा एक्जिलरी या टर्मिनल दोनों हो सकता है। और इस तरह से आप देखते हैं नीचे की तरफ पेंडेंट फॉर्म में लटके हुए आपको मिल जाते हैं, चाहे आप खजूर में देखें, या आप नारियल में देखें, या आप सुपारी के पेड़ में देखें। इसमें इसी तरह से आपको मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग डालों पर भी, और हो सकता है कभी कभी एक एक में भी आपको दोनों फ्लावर्स मिल जाते हैं। प्लांट्स जो हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं जैसे कि रीनहार्डिया में, और डायोशियस भी हो सकते हैं जैसे बोरोसस और रैफिस में। फ्लावर स्मॉल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यूजुअली ससाइल होते हैं, ट्राइमेरस कंडीशन होती है, और ब्रैक्टियोल्स और पाए जाते हैं जो कि नीचे से जुड़े हुए होते हैं। तो फ्लावर्स आप देखेंगे तो आपको इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स, थोड़ा गौर से आप देखेंगे तब आपको वहाँ पर ये दिखाई पड़ने लगेंगे। पेरियंथ तो इसमें मिलता है क्योंकि टेपल सेपल नहीं होते, तो पेरियंथ तो जो है वही डिफरेंशिएट कर जाता है, जिसमें कि सेपल्स बना देता है और पेटल्स टाइप की चीज़ें बना देता है। समटाइम्स वेस्टिजियल होता है, जैसे नाइपा में वेस्टिजियल होता है, सेपल थ्री होते हैं और फ्री हो सकते हैं जैसे कि एरिंगा में होते हैं, और जुड़े भी हो सकते हैं जैसे डायडिमो स्पर्मा में होते हैं। यूजुअली इम्ब्रिकेट कंडीशन पाई जाती है, पेटल्स भी थ्री होते हैं, फ्री हो सकते हैं, कोनेट हो सकते हैं, अगर जुड़े हैं तो वेलवेट होंगे, और इम्ब्रिगेट कंडीशन फीमेल में पाई जाती है, मेल में वेलवेट पाई जाती है, और एरिंगा में वेलवेट कंडीशन फीमेल फ्लावर में भी पाई जाती है। तो यूजुअली इम्ब्रिगेट होती है फीमेल फ्लावर में, लेकिन एरिंगा में ये कंडीशन वेलवेट पाई जाती है जैसे कि मेल फ्लावर्स में मिलती है। तो हमें ये याद रखना है कि पेरियंथ डिफ्रेंशिएट होता है और बनाता है सेपल्स और पेटल्स। मेल फ्लावर हर्माफ्रोडाइट जो प्लांट होते हैं उनमें भी मेल फ्लावर होता है, और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें अलग भी मेल फ्लावर होता है। तो दोनों ही कंडीशन में मेल फ्लावर्स की सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी। स्टेमेंस 6 होते हैं, जो दो दो के तीन तीन के दो वर्ल में होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं। स्टेमिनोड कभी कभी प्रेजेंट होती है, फीमेल फ्लावर्स में मिल जाती है स्टेमिनोड, क्योंकि वहाँ पर स्टेमिन नहीं होगा तो स्टेमिनोड मिलती है, स्टराइल टाइप की कंडीशन आ जाती है। एंथर्स वर्सेटाइल होते हैं, डाइथिकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड या फिर डॉर्सी फिक्स्ड हो सकते हैं, इंट्रोज होते हैं, फिलामेंट शॉर्ट होता है और डिस्टिंक्ट होता है। तो ये जो सूखे हुए आपको ये दिख रहे हैं, इसमें मेल फ्लावर्स की कंडीशन हम देख पाते हैं। ये सब डिटेल में भी आगे देखेंगे, क्योंकि इसको फ्लावर के
पिक्चर से समझना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके थोड़ी सी ड्राइंग बना के समझना पड़ता है। गाइनोशियम इन फीमेल और फीमेल और हर्माप्रोडाइट फ्लावर, मतलब या तो यूनिसेक्सुअल में फीमेल हो गया और हर्माप्रोडाइट है तो उसमें भी फीमेल होगा। इसमें तीन कार्पल्स होते हैं, एपोकार्पस इन कार्पस कंडीशन होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, ट्रायलोकुलर होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, सिंगल ओव्यूल होता है ईच लोक्यूल में, स्टाइल शॉर्ट होती है, स्टिग्मा स्मॉल होता है और या फिर कभी कभी ब्रॉड भी हो सकता है तीन लोब के साथ। और ये आप फीमेल फ्लावर देख रहे हैं पाम के, तो ये तीन डॉट तो आपको ये दिख ही रहे हैं, जिससे ये तो पता ही चल रहा है कि ये ट्राइलाकुलर कंडीशन मिल जाती है। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट यूजुअली बेरी होते हैं, फ्लैशी हो सकते हैं, फाइबरस भी होते हैं, वैक्सी कोटिंग इनमें पाई जाती है, मैच्योर फ्रूट कंटेन सिंगल सीड, जैसे कि फिनिक्स में होता है, खजूर में एक सीड मिलता है, ड्रूप कंडीशन मिलती है नारियल में, कोकस न्यूसीफेरा में, लार्जेस्ट सीड इन एंजियोस्पर्म फॉर्म इन डबल कोकोनट, जो डबल कोकोनट एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है लोडेशिया मालदीविका, मालदीव में पाया जाता है लोडेशिया मालदीविका, इसको डबल कोकोनट कहते हैं और इसमें जो सीड मिलता है वो लार्जेस्ट होता है एंजियोस्पर्म का। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज़ हो जाती है आपको ध्यान रखने की, सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, सीड में कहीं कोई समझौता नहीं है। पॉलिनेशन अनिमोफिलस भी हो सकता है, एंटेमोफिलस भी हो सकता है, दोनों ही तरीके इसमें मिल जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला देखें तो अगर किसी भी एक एग्जांपल को हम लेके देख सकते हैं, तो अगर मेल फ्लावर देखते हैं तो इस तरह से हमें कंडीशन मिल रही है, हर्माप्रोडाइट है, मेल है, पेरियंथ तीन और तीन में है, तो उसको हम तीन और तीन में, तीन को हम बाहर वाले को कहीं कहीं सेपल बोल देते हैं, अंदर वाले को पेटल्स बोल देते हैं, नहीं तो पी थ्री प्लस थ्री लिखेंगे, ए बी थ्री थ्री में बटे हुए होते हैं दो वर्ल में, जी यहाँ पे जीरो होगा फीमेल में कंडीशन, यर्मा प्रोडाइट होगा फीमेल होगा, पेरियंथ की कंडीशन सेम होगी, ए जीरो होगा जी थ्री होगा, और ये जुड़े भी हो सकते हैं और साथ साथ फ्री भी हो सकते हैं। हर्माप्रोडाइट फ्लावर में एक्टिनोमार्फिक हो गया, हर्माप्रोडाइट का निशान आ गया, पेरियंथ का निशान आ गया, ए थ्री प्लस थ्री हो गया, जी थ्री भी हो गया, दोनों कंडीशन फ्री और सिनकार्पस कंडीशन दोनों मिलती है। ये इनके डायग्राम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बाहर के जो तीन मिल रहे हैं, छः होते हैं इसमें पी, तो ये बाहर के तीन हो गए, ये जो पिंक वाले हैं ये अंदर के तीन हो गए, उसके बाद आप देखते हैं वन टू थ्री आउटर वर्ल्ड हो गया, और उसके बाद वन टू थ्री इनर वर्ल्ड हो गया, ये हो गया मेल फ्लावर, और उसके बाद फीमेल फ्लावर में भी सब ये सब कंडीशन तो सेम है, और यहाँ पर ट्राइलोकुलर आपको कंडीशन दिखाई पड़ रही है। अब फैमिली के प्रिमिटिव करेक्टर क्या हैं, तो ट्री होना एक प्रिमिटिव करेक्टर होता है, इसमें ज़्यादातर ट्री मिलते हैं। लीव्स जो हैं स्पायरली अरेंज कंडीशन मिल जाती है बहुत से इसमें जो जीनस हैं उनमें, ये भी प्रिमिटिव हो गया। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होना प्रिमिटिव करेक्टर होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है ये भी प्रिमिटिव है, हर्माप्रोडाइट होना ये भी प्रिमिटिव है, गाइनोशियम का एपोकार्पस होना फिनिक्स और एफिस में ये प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है, ओवरी का सुपीरियर होना प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है। इसी तरह से एडवांस करेक्टर में बात करें तो स्मॉल हर्बेशियस फॉर्म जो मिलती हैं उनको एडवांस मान सकते हैं, हालांकि बहुत कम होती हैं। लीव्स जो हैं वो कंपाउंड होती हैं, एक्सस्टिपुलेट होती हैं, ये एडवांस करेक्टर है। इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स में होता है, एडवांस करेक्टर है, कवरिंग अच्छी है, उसका प्रोटेक्शन अच्छा है। पेरियंथ प्रेजेंट होता है, एडवांस करेक्टर है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल मिल जाते हैं, एडवांस करेक्टर है। ट्राइमेरस कंडीशन एडवांस करेक्टर है। स्टेमेन एपिफिलस होते हैं, एडवांस करेक्टर है। गाइनोशियम ट्राइकार्पुलरी सिनकार्पस और यूनिलोकुलर होती है, एडवांस करेक्टर है। स्टाइल छोटी सी होती है या फिर एब्सेंट होती है, एडवांस करेक्टर है। प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। अब इसके बारे में एम्स साहब का एक कथन था 1961 में, उन्होंने कहा था कि द पाम्स गिव एविडेंस ऑफ ग्रेट एज, तो ये दिखाता है कि बहुत पुराने प्लांट है। दे आर प्रिमेटिव टेक्सॉन दैट वॉज बिकम ग्रेटली डाइवर्सिफाइड एंड एडवांस इन मैनी करेक्टर, तो थे तो ये प्रिमेटिव लेकिन इन्होंने अडेप्टेशन करते चले गए और बहुत से करेक्टर उन्होंने अपने एडवांस बना लिए, तो ये स्पेशलाइज होते चले गए, इनमें स्पीशिएशन जो है वो लगातार होता रहा, तो पुराने होने के बावजूद भी ये आज तक हमें लिविंग फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि हम इसके बहुत क्लोज जो जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो साइकस होता है वो इसको बहुत सा अपीरियंस में बहुत मिलता जुलता है, तो उनका मानना ये था कि ये उसी वक्त कभी बने होंगे, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक में इन्होंने अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर लिया, तो जिम्नोस्पर्म भी कभी डाइकॉट के साथ रखे गए थे तो ये भी कभी होंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस होते होते मोनोकॉट कंडीशन आ गई, और ये माना भी जाता है कि मोनोकॉट कंडीशन इज एडवांस ओवर डाइकॉट कंडीशन। तो एम्स का यही कहना था कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टैक्सॉन था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदलते हुए वक्त के
हिसाब से हमेशा मॉडिफिकेशन के मोड में रखा और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के साथ में एक मोनोकॉट फैमिली में इनके प्लांट्स परिवर्तित हो गए। फाइलोजेनी की बात करें, रेंडल प्लेस द फैमिली टुगेदर विद एरेसी अंडर स्पैडिसी फ्लोरी। क्यों रखा था? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे और अक्रेंस था स्पैडिक्स का। स्पेथ जो मिल जाता है तो उन्होंने कहा था स्पैडिक्स जहाँ जहाँ मिलते हैं उनको एक साथ रख दो। हचिंसन ने ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ पाम्स फ्रॉम लिली फ्लोरियन स्टॉक डायरेक्टली फ्रॉम लिलीएसी थ्रू ड्रेसिना कॉर्डिलाइन। अल्डमान ऑल्सो रिपोर्ट सिमिलर पॉलन स्ट्रक्चर ऑफ पाम एंड ड्रेसिना। तो उनका ये कहना था हचिंसन का कि इसको लिलीएसी के साथ रखें क्योंकि सिमिलरिटी वहाँ काफ़ी मिल जाती है। अल्डमैन ने कहा कि ड्रेसिना के साथ भी जा सकता है। उसके अलावा पामेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू लिलीएसी इन पाम लाइक हैबिट ऑफ यक्का ड्रेसिना लिलीएसी। पेरियंट सेगमेंट्स कौन कौन से करेक्टर जो हैं दोनों में एक से हैं, तो पेरियंट सेगमेंटेड है। स्टेमेंट दो वर्ल में मिलता है, ट्राई कार्पोरी होते हैं, सिनकार्पस ओवरी होती है और स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का, ड्रेसिना का और इनका एक सा ही होता है। तो ये माना जाता है कि पामेसी और लिलीएसी ये बहुत ही क्लोज फाइलोजेनी में मिल जाती हैं एकदम आगे पीछे। अब ये इसको भी डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया फैमिली का और इसमें जो कुछ ट्राइब बनाई गई तो उन ट्राइब में एक एरिकेसी है, उनके करेक्टर आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका अरिका है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, इसको अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि बहुत छोटे छोटे अंतर हैं और पढ़ते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसी तरह से दूसरी ट्राइब है ब्रोसिएसी, तीसरी है कोकेसी, चौथी है फिनिसिएसी, पाँचवीं ट्राइब है पहली फेंटिटी, फिर है छठी ट्राइब लेपिडो कैरी, सातवीं ट्राइब है सेबलेल। तो यहाँ पर ये आज जब आपको मैं मैटर दे दूंगा तब आप देख लीजिएगा। हालांकि कोई इसका विशेष जो महत्व है वो नहीं है, हमें बस नंबर याद रखना है कि सात ट्राइब में बांटा था इस फैमिली को और उसके अपने सात जीनस हैं। तो हर ट्राइब का नाम याद रख लीजिए, जीनस का नाम याद रख लीजिए, इतना काफ़ी होगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। पिथ जो है मेट्रोजाइलॉन रम्फाई ये प्लांट है तो, और मेट्रोजाइलॉन लीवी, ये सागो पाम भी कहलाता है और सागो प्रोड्यूस करता है, स्टार्च का अच्छा सोर्स होता है। साइकस में भी सागो निकलता है, इसमें भी निकलता है। द सैप ऑफ ब्रोसस ये शुगर होता है, उसमें मीठा मीठापन होता है तो फर्मेंटेशन इसका किया जाता है और ताड़ी नाम का एक नशीला पदार्थ बना के लोग पीते हैं। तो वो इसी का जो इसके अंदर का जितना शुगर है वो निकाल लेते हैं उसमें टैपिंग करके और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन पे छोड़ देते हैं और फिर वो नशीला पदार्थ बन जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसको टॉडी कहते हैं अंग्रेजी में और ताड़ी कहते हैं हिंदी में। जो खजूर है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, उसके फ्रूट जो हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं और पूरे अरेबियन वर्ल्ड में अच्छे तरह से काफ़ी खाए जाते हैं। अरिका कैथेचू जो है जिससे कत्था मिलता है और ये पान में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा सुपारी होती है वो भी पान में इस्तेमाल होती है। तो उस तरह से मेस्टिकेटरीज में जो ये इसकी कैटेगरी आती है, अरिका कैथेचू अरिका नट दोनों ही वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। कोकोस न्यूसीफेरा का जो मिल्क है वो एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक दुनिया भर में माना जाता है और एंडोस्पर्म जो है इसका कच्चा भी खाया जा सकता है और उसको सुखा कर भी आप खा सकते हैं। मेडिसिनल में देखा जाए तो टेंडर लीव्स ऑफ कैलमस जो सबसे पहला प्लांट था वो वॉर्म्स के केस में, डिस्पेप्सिया के केस में, बायलोसनस जो मतलब एक तरह से कहें कि एसिडिक कंडीशन होती है आहार नाल की, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर्स इससे मिलते हैं जो मीजोकार्प होते हैं, ड्रूप ड्रूप जो कोकोनट का फ्रूट है उसका जो मीजोकार्प है, जो सारा आप देखते हैं कि उसमें रेशे ऐसे होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनको निकाल लेते हैं और उससे स्टफिंग जो तकिए बनाना, सोफा सेट ये सब बनाए जाते हैं। हालांकि आज के वक्त में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बदल चुकी हैं, अब ये सब नहीं मिलता, लेकिन पुराने ज़माने में सोफ़ा वगैरह में वही सब नारियल का जितना भी वो निकलता था मीजोकार्प वाला पोर्शन जिसको हम जटाएं कहते थे वो सारा भर के उससे फर्नीचर तैयार कर देते थे। इसी तरह से जो बोरोसस फैबलीफर का जो फाइबर मिलता है वो भी इस्तेमाल होता है ब्रश और झाड़ू वाड़ू बनाने में, और लीव्स जो हैं इनकी इस्तेमाल होती हैं हाथों से झलने वाले पंखों में, अम्ब्रेला बनाने में, बास्केट बनाने में और चटाइयाँ बनाने में।
वैक्स और ऑयल का भी सोर्स है, जैसे कि जो लीव्स हैं कोपरनिसिया सेरिफेरा की और सीरोजाइलॉन एंडिकोला की, इनसे वैक्स मिल जाता है। और कोकोनट न्यूसीफेरा से जो है वो सर में डालने का जो तेल होता है, हेयर ऑयल, बहुत विज्ञापन हम देखते ही रहते हैं। इसके अलावा बहुत से साबुन होते हैं और इसके अलावा बहुत से खाने के सामान होते हैं जहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल्स में रोस्टोनिया रेगरिया जो रॉयल पाम होता है, और कॉरिफा इलाटा टेलीपॉट पाम, ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट माने जाते हैं और लोग इसे बाग बगीचे और घरों में लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जो प्लांट्स हैं उनकी। तो पहला प्लांट हमने लिया है फिनेक्स सिल्वेस्ट्री, जिसको डेट पाम कहते हैं। खजूर हैबिट इसकी ट्री होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। रूट इसकी एडवेंटिशियस होती हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। ऑर्डर इसका एरिकेल्स है, फैमिली एरिकेसी है, जीनस फिनिक्स है और स्पीशीज़ फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, या फिर इसको डक्टाइली फेरा दूसरी स्पीशीज़ होती है वो होती है। तो एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पहला इसका नामकरण लीनियस ने किया था, बाद में रॉक्स बर्गाई ने इसको रिवाइज किया। स्टेम एरियल होता है, वुडी होता है, सिलिंड्रिकल, रफ, कवर्ड विद परसिस्टेंट लीफ बेसेस, और ये आप देख रहे हैं ये सब पत्तियों के बेसेस हैं। यहाँ से पत्तियाँ टूट गई, गिर गई और ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, तो पूरे स्टेम में इसी तरह से आपको मिलता है। सभी ने ये देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये पता ना होगा कि इस तरह का ये जो स्टेम दिखता है जिसमें ये लीफ बेसेस टूटे हुए लगे होते हैं वो किस पेड़ का है। लीव्स फॉर्मिंग डेंस टर्मिनल क्राउन, ऊपर की तरफ क्राउन बनता है, एक्सेस स्टिपुलेट होती हैं, कंपाउंड होती हैं, यूनिपिनेट, पीटियोलेट और ग्लैबरस होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये पिन्ना मिल रहा है और इनको अलग कर दें पिन्ने, तो ये इस तरह से इनका स्केल से नाप ले लीजिए तो ये 7-8 सेंटीमीटर लंबे तक हो सकते हैं एक एक के, और ये लीव जो है वो 1-2 मीटर तक भी जा सकती है। लीफलेट सब सेसाइल होते हैं, हल्के हल्के इसमें आप देख रहे हैं कि ये डंडे लगे हुए हैं तो सब सेसाइल हो गए। लेंसियोलेट होते हैं, भाले नुमा है, एंटायर होता है, एक्यूट होता है, यूनिकॉस्टेट, पैरेलल वेनेशन होता है, मोनोकॉट का करेक्टर है। इनफ्लोरेसेंस स्पैडिक्स होता है, ब्रांच्ड, इरेक्ट, लॉन्ग, इनक्लोज बाई स्पेथ, तो इसी वजह से इसको कभी जो है वो इसकी फैमिली चेंज करने की बात करी जा रही थी, क्योंकि स्पेथ पाया जाता है जैसे दूसरी मोनोकॉट फैमिलीज में मिलता है, खासकर जो लिलियसी है उसके करीब ये बहुत चला जाता है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस जब इसका कवर हट जाता है तब आप देखते हैं कि ये फ्लावर्स जो हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए आपको दिखाई पड़ जाते हैं, जिनके बहुत वाइब्रेंट ऑरेंजिश कलर होता है। फ्लावर इसमें स्मॉल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, अभी फार्मूला हम देख चुके हैं, हाइपोगाइनस है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ब्रैक्टीएट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये एडवांस करेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है। जो प्रिमिटिव करेक्टर है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस ही आ रहा है, बाकी जो है वो एडवांस करेक्टर हैं। मेल फ्लावर्स में ब्रैक्टीएट होंगे, ससाइल होंगे, इनकम्प्लीट होते हैं, न्यूमरस एंगुलर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हाइपोगाइनस और ट्राइमेरस होते हैं, तीन तीन में पाए जाते हैं। पेरियंत 6 होते हैं और ये 6 तीन बाहर के और 3 अंदर के होते हैं, फ्री होते हैं और इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस तरह से ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई पड़ता है जिसमें मेल फ्लावर लगे हुए होते हैं। एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस मिल जाते हैं जो कि तीन 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 के 2 वर्ल में होते हैं और फ्री होते हैं। ये बात पीछे हो गई, यहाँ रिपीटेशन इसका थोड़ा सा हो गया। बहरहाल डाइथिकस हैं, डॉर्सी फिक्स्ड हैं और इंट्रोज होते हैं, गायनोशियम एबसेंट होता है क्योंकि मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में ब्रैक्टीएट कंडीशन होती है, ससाइल होती है, इनकम्प्लीट होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ट्राइमेरस, सेम एज मेल फ्लावर। पेरियंथ भी वैसा ही होता है। परिवर्तन कहाँ पर होता है? परिवर्तन यहाँ पे कि एंडोशियम इसमें नहीं होगा और गायनोशियम होता है, तो कैसा होता है? ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर होती है, 1 ओव्यूल इन ईच कार्पल होता है, स्टाइल एब्सेंट होती है, स्टिग्मा हुक्ड होता है। ये आप देख रहे हैं कि सीधे ये ओवरी है और ये स्टिग्मा है, इसमें कोई भी स्टाइल नहीं मिलती और इस तरह का फ्लावर हमें नज़र आता है। 3 बाहर के बड़े बड़े दिख रहे हैं, 3 अंदर के टेपल्स दिख रहे हैं, तो P3+3O3 होते हैं। इसका फॉर्मूला बनाते हैं जो, तो इस तरह से आप बनाएंगे। फ्रूट और सीड, तो 1 सीडेड बेरी होते हैं, ऑरेंज और येलो कलर के हो जाते हैं। सीड जो है हार्ड होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, खजूर से हम सब वाकिफ हैं। और ये छुआरे होते हैं जो सूखे हुए होते हैं, ये खजूर हैं और ये बहुत फ्रेश हैं, सूख जाएंगे तो ऐसे ही मुरझा जाते हैं और फिर इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। इस फॉर्म में रहते हैं तो इनको खजूर कहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं तो इनको छुआरा कहते हैं। फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बड़ा आसान सा डायग्राम है। 3 आपको ये बाहर दिख गए टेपल्स, 3 अंदर वाले दिख गए
और इनमें आपको वेलवेट और ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नज़र आ जाता है। छः यहाँ पर ये दिख रहे हैं एंडोशियम, छः सिक्स दिख रहे हैं, और उनका भी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। बाहर वाले इसको अल्टरनेट कर रहे हैं और अंदर वाले इसको अल्टरनेट कर रहे हैं। ये एबसेंट है गायनोशियम, यहाँ पर गायनोशियम प्रेजेंट है, बाकी ये सब पेटल्स वगैरह एबसेंट हैं, और बाकी कंडीशन एक सी होती है। दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है मेल और फीमेल फ्लावर में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इंडोनेशिया इंडिया इसमें जो शुगर है वो यूज़ करी जाती है और ज़्यादा न्यूट्रिटिव मानी जाती है अगर हम गन्ने की जो शक्कर मिलती है उसकी तुलना करें तो। ये रिच होता है विटामिन सी में। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जो छोटी मोटी लगी रहती हैं उसमें भी काम आता है, जैसे सोर थ्रोट्स का होना, बुखार आना, कोल्ड फील करना, इंटेस्टाइनल ट्रबल्स फील करना, पेट वेट ख़राब होना, ब्रोंकियल कैटरेक्ट होना, गोनोरिया होना, इडिमा होना, सिस्टिसिस होना, लीवर की और एब्डोमिनल जो इश्यूज़ हैं वो उनका इलाज करने में ये दिया जाता है कि खजूर खाएं। बच्चों को भी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कब्जियत वगैरह होती है, कॉन्स्टिपेशन, तो डॉक्टर की दवा देने से पहले जो घर के बुज़ुर्ग थे वो खजूर और छुहारे देना पसंद करते थे, तो उनकी काफ़ी बीमारियाँ दूर हो जाती थी। द सैप इज़ यूज एज माइक्रो न्यूट्रियट्स एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन्स, और ये B12 का अच्छा सोर्स होता है। एनेमिक लोग होते हैं उनको कहा जाता है खजूर खाएँ। वो फ्रूट जो है वो एक टॉनिक की तरह काम होता है, रिस्टोरेटिव एक्टिविटी उसमें होती है, एनाल्जेसिक होता है, और जो दर्द वगैरह होते हैं बैक में और जो कूल्हे जिन्हें कहते हैं उनमें जो दर्द है, यहाँ तक कि जो लोअर पोर्शन है अपनी बॉडी का उसमें जितने भी दर्द हैं उनमें ये काफ़ी उसमें मिटिगेट कर देता है, उसको कम कर देता है दर्द को। इन एडिशन इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए एफ्रो एफ्रोडाइसिक स्वीटनर एंड डायूरेटिक एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, वर्टिगो, और ये सारे जो चक्कर अक्कर आना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं तो वो भी दिए जाते हैं जो कि रेगुलेट कर देते हैं बावल्स की जो हैबिट है उनको। ड्राइड जो डेट्स हैं वो कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको बेहतर रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, आर्टरीज को साफ कर देते हैं, और कैल्शियम कंटेंट भी इसमें पाई जाती है तो वो बोन्स के लिए अच्छी मानी जाती है। लीव जो है वो आई इन्फ्लेमेशन में बहुत यूज़फुल होती है, और जो उसके टेंडर पार्ट हैं वो जो सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं, गोनोरिया और ग्लीट, इन सब में काम आती हैं। रूट्स जो होती हैं इनकी, ये दांतों के दर्द में काम आती हैं और नर्वस डिबिलिटी में भी काम आती हैं। जो इसका गोंद निकलता है, गम होता है, वो बेनिफिशियल होता है जेनाइटल और यूटीआई इन्फेक्शन में और इसके साथ साथ डायरिया में। तो बहुत ही फ़ायदेमंद एक ट्री है जो कि ईश्वर ने ऐसा बना दिया कि उन एरिया में बनता है, जो ग्रो कर जाता है आसानी से जहाँ पे दूसरे पेड़ नहीं ग्रो कर पाते, और वहाँ के लोगों को इतनी चीज़ें एक ही पेड़ से मिल जाती हैं। तो इसलिए ये कुदरत का कमाल है कि वो ज़रूरत को इंसान की समझ के और उसी तरह का प्लांटेशन वहाँ पर दे देता है ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी होती रहे। फिर भी हम जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है। कोकस न्यूसीफेरा दूसरा प्लांट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसकी धार्मिक महत्व भी होता है अपने हिंदुस्तान में। इसके अलावा अगर बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो हैबिटेट क्या है, मेसोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक भी मिल जाता है, समुद्र के किनारे रेत वेत में ये मिल जाते हैं। हैबिट इनकी जो है वो ये ट्री फॉर्म में होती है और कभी कभी श्रबी भी हो जाते हैं। तो जैसे कैलमस होता है तो छोटा मोटा एक नारियल का पेड़ की तरह ही लगता है। लीव्स जो हैं उसमें भी टर्मिनल क्लस्टर बनाते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और नारियल का पेड़ आपने ना देखा हो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हैं। रूट एंड स्टेम, रूट जो है जैसा हमने अभी तक देख रहे थे उसी तरह की हैं, फाइबरस और एडवेंटिशियस रूट्स हैं और स्टेम के बेस से निकलती हैं। कभी कभी जो है इसमें कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे इरीरेटिया, उसमें जो है वो प्रॉप रूट्स निकल आती हैं, अलग से प्रॉप रूट्स बाहर की तरफ निकल आती हैं, अदरवाइज ये इसी तरह की होती हैं। स्टेम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें स्पीशीज़ मिल जाती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें कोकस न्यूसीफेरा की तो इसमें बहुत बड़ा बहुत लंबा तो नहीं होता, छोटा शॉर्ट होता है मीडियम साइज़ का, और राउंडेड स्टेम होता है। लीव्स स्कार तो मिलेंगे ही, फैमिली का करेक्टर है, लीव्स जो हैं वो ऊपर क्राउन क्राउन के रूप में मिल जाती हैं, और जो स्टेम है अगर सारा कुछ हटा दें, लीफ वगैरह हटा दें, तो एक पिलर लाइक जो अपीयरेंस देता है जिसके ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसिस पाए जाते हैं। और ब्रांचिंग बहुत रेयरली फाउंड है, कभी कदार ऐसा हो सकता है कि नारियल में आपको ब्रांचिंग मिल जाए, जैसे कि एक जो इसमें जीनस था उसमें बताई थी कि वहाँ पर ब्रांचिंग मिल जाती है। लीव्स तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की हैं, पामेट हैं, फैन लाइक हैं, और पिन्नेटली कंपाउंड भी होती हैं, सिंपल होते हैं, और रेयरली सिंपल पाई जाती हैं, कुछ में सिंपल मिल जाती हैं, अदरवाइज़ ये हमेशा पिन्नेटली कंपाउंड ही मिलेंगी। लीव्स जो हैं वो लार्ज होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, पिटियोल भी इसका लार्ज होता है, वेनेशन पैरेलल होता है। इनफ्लोरेसेंस ये भी लार्ज होता है, बड़ा सा होता है, और पेनिकुलेट टाइप का होता है, स्पैडिक्स भी इसको कह सकते हैं। 1 मीटर तक ये इसकी लंबाई हो सकती है, और इसमें जो ब्रैक्ट होते हैं वो बाद में वुडी हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो प्लांट में कंडीशन मोनोशेस डायोशेस दोनों हो सकती है। तो ये तो जीनस कोकस है, वो मोनोशेस भी हो सकता है, डायोशेस भी हो सकता है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डायोशेस कंडीशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। फ्लावर जो है इब्रेक्टिएट होता है, ससाइल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। तो ये रेयर केस है जहाँ पर डायोशेस कंडीशन होती है। ट्राइमेरस होगा ही, साइक्लिक होता है, कभी कभी ए साइक्लिक कंडीशन मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयर है। हाइपोगाइनस मिलता ही है क्योंकि ओवरी सुपीरियर हो जाती है। और मेल फ्लावर जो है स्मॉलर होते हैं फीमेल फ्लावर की तुलना में। ये इसमें ये अभी बड्स बनी हुई हैं जो कि जब खिलेंगी तो ये पेरियंथ तो ग्रीन कलर का है, ये पेरियंथ है, ये तीन तीन में बढ़ जाएगा। और अंदर इसमें से जो अगर मेल होगा तो हमें स्टेमेंस दिखाई पड़ेंगे 6, और अगर फीमेल होगा तो हमें यहाँ पर ट्राइकार्पेलरी ओवरी दिखाई पड़ेगी। पेरियंथ जो होता है वो 6 होते हैं और तीन में बटे होते हैं। ये बात तीसरी दफ़ा हो रही है इसमें, तो याद हो गया होगा। टेपल्स P3+3 की कंडीशन हमने देख ली। ये फ्री भी हो सकते हैं, ज्वाइंटेड भी हो सकते हैं, और पेटल और सेपल की तरह भी प्रतीत हो सकते हैं। तो उसको तब कहते हैं सेप्लॉइड और पेटलॉइड। तो ये कंडीशन हमें मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ ये तीन दिख रहे हैं, अंदर तीन होंगे, और ऐसे ही इसमें भी ये बाहर की तरफ जो ग्रीन वाले हैं ये हो गए, ये तीन बाहर की तरफ होंगे, तीन अंदर होंगे, और इसी तरह से ये एंड्रोशियम बाहर वाले दिख रहे हैं और तीन ये अंदर वाले दिख रहे हैं। तो ये मेल फ्लावर का पोर्शन दिख रहा है, और इसमें से कुछ इसमें फीमेल फ्लावर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाइसेक्टेड टाइप का आप देख लीजिए, तो मेल इन्फ्लोरेसेंस ये लंबी लंबी डंडियों की तरह दिखता है। उसको हम अलग से करके देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेमेन दिख रहे हैं जो कि तीन तीन के वर्ल में होते हैं। एलएस काटेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, और स्टेमिनल जो ट्यूब्स हैं वो इस तरह से दिखती हैं, जो कि क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स है वो यहाँ पर सब ज्वाइंट होके एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेती हैं। तो ये सारी बात हो गई जो कि मेल फ्लावर की है। तो याद रखना ये है कि दो वर्ल हैं और तीन दोनों वर्ल में तीन तीन होते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। एंथर जो हैं डहीज करते हैं वर्टिकल स्लिट से, बेसी फिक्स्ड हो सकते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड हो सकते हैं। गायनोशियम को देखें तो गायनोशियम में जो फ्लावर होता है वो थोड़ा सा इस तरह से हमें उसका इन्फ्लोरेसेंस नज़र आता है, जैसा अभी हमने एक फिगर में देखा था, उसमें से इस तरह जटाएं सी बाहर निकली हुई थी और बीच बीच में गोले बने हुए थे, वो गायनोशियम वाला पार्ट है जो ये दिख रहा है आपको। फीमेल फ्लावर की कुछ पोजिशन ऐसी होती है, तो ये आपको तीन बाहर की कवरिंग दिख रही है, टेपल वाली P3 दिख गए बाहर के, और P3 इसमें अंदर छोटे होते हैं वो अंदर होंगे। एलएस करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, स्टाइल होती नहीं तो सिर्फ सीधे स्टिग्मा ही दिखता है हमें, और अगर इसकी TS कर लेंगे तो ये हमें ट्राइकार्पलरी कंडीशन नज़र आ जाती है। और पिस्टिलोड और स्टेमिनोड, अगर मेल फ्लावर होगा तो इसमें हमें पिस्टिलोड मिलेगा जो कि नॉन फंक्शनल होगा, और अगर फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें स्टेमिनोड मिलेगा जो कि नॉन फंक्शनल होगा। तो ये भी बात यहाँ पर कवर अप हो गई। पॉलिनेशन इसमें अनिमोफिलस होता है, और जो फ्लावर्स हैं वो प्रोटेंडर्स होते हैं, मेल जल्दी बन जाते हैं, फीमेल बाद में बनते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो जाता है कभी कभी, जैसा हमने फैमिली के करेक्टर में पढ़ा था, दोनों ही हैं एंटेमोफिलस और एनिमोफिलस। और ये द सीड्स जो इसके होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स के द्वारा, क्योंकि वे नीचे गिरा करते हैं, फिर एनिमल्स के खुरों वुरों में फंस के इधर से उधर जाया करते हैं, और फिर वो अनप्लान्ड वे में आप देखते हैं कि कोई खजूर का या नारियल का फॉरेस्ट बन जाता है, तो बीज इसमें इसी तरह से डिस्पर्स होते हैं। फ्रूट और सीड देखें तो ये हमारा बहुत ही परिचित फ्रूट है, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें बेरी होता है, एक्सोकार्प होता है, फाइब्रस एपिकार्प होती है, बाहर की तरफ जटाएं हमें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर एक अंदर का बहुत सख्त खोल मिलता है, खोल के अंदर फिर एंडोस्पर्म होता है जो कि शुरू में लिक्विड होता है, धीरे धीरे उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और वो सॉलिड में बदल जाता है। तो उसको भी खा लेते हैं। जब इस तरह से नारियल मिलता है तो पानी कम मिलता है, अगर ये नहीं होगा तो पानी ज़्यादा होगा। तो कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग
जब नारियल पानी पीते हैं तो उसके बाद उसके अंदर की कहते हैं मलाई निकाल के दो। तो मलाई भी क्या है, मलाई भी वही नारियल पानी है, उसका एंडोस्पर्म है जो कि सॉलिड होने लगा ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। और फिर ये पूरा सख्त हो जाता है, सारा पानी खत्म हो जाता है और फिर वो सूखे हुए नारियल भी मिलते हैं जो पूजा वगैरह में काम में आए लाए जाते हैं। ये डायग्राम इसका हो गया और फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर दोनों चीज़ें आप देख लीजिए। तो ये ब्रैक्ट इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, वो कंडीशन ये होती है कि आप जो देख रहे हैं उसमें है या नहीं है। ई ब्रैक्टियट है, ये कंडीशन कन्फर्म है दोनों ही जगह, एक्टिनोमॉर्फिक है ये दोनों जगह है। यहाँ पर मेल हो गया, P3+3 दोनों जगह रहेगा और यहाँ फीमेल हो जाएगा। यहाँ पर A3+3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर G0 हो जाएगा, यहाँ G3+3 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके जो फ्लोरल फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डायग्राम भी उतने मुश्किल नहीं होते, तो बहुत आसानी से ये फैमिली आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोकस न्यूसीफेरा का पूरा प्लांट इम्पोर्टेंट है, इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसका इस्तेमाल ना होता हो। तो ये क्या है कि इसमें बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और किसी ना किसी रूप में इसका सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे रूट का डिकॉक्शन जो होता है वो माउथ वॉश, और जो इसके रोस्टेड रूट्स हैं वो डेंट्री फ्राइज की तरह इस्तेमाल कर डेंटल जो प्रॉब्लम होती हैं उनमें करा जाता है। तो ये एक तरह से एक टूथपेस्ट और माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल हो जाता है रूट का डिकॉक्शन। स्टेम जो है वो फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल होता है, साथ में इसके पिलर्स भी बना दिए जाते हैं। लीव्स इसमें जो होती हैं बड़ी मज़बूत होती हैं, तो उनमें चटाइयाँ बनती हैं, हाथ से जलने वाले पंखे बनते हैं, बास्केट्स बनती हैं, और जो रूफ़ की थैचिंग होती है जो ऊपर डाला जाता है जिसको कहते हैं कि झोपड़ी ओपड़ी बनती है, तो ऊपर घास के साथ में इसको फंसा के डालते हैं, तो वो मज़बूत उसकी छत बन जाती है, झोपड़ी वगैरह जो गांव में बनती है उसकी। द मिडरिब स्टॉक ऑफ द लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रूम, जो मिडरिब है स्टॉक की उसको झाड़ू बनाने के काम में लाई जाती है। टॉडी मिलती है, ताड़ी, जिस जो कि इसके जो यंग इन्फ्लोरेसेंस है उससे कुछ लिक्विड निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसका भी उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं और एक नशीला पदार्थ बन जाता है अल्कोहलिक, जो कि ताड़ी बनती है। एंडोस्पर्म ऑफ द यंग फ्रूट इज एडिबल एंड देयर मिल्की फ्लूड इज स्वीट एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जो कि हम इससे तो परिचित हैं, सभी लोग नारियल पानी पीते ही पीते हैं, वो एंडोस्पर्म होता है। और ये भी बहुत सवाल नीट वगैरह और PMT जो पहले होता था उसमें बहुत आता था कि लिक्विड एंडोस्पर्म किस में मिलता है, तो आंसर होता था कोकस न्यूसीफेरा। वेजिटेबल फैट भी मिलता है, तो खाना बनाने में भी इसका तेल इस्तेमाल होता है, साउथ इंडिया में तो इसी से ही सारा कुछ बनता है। सर में भी यही तेल डाला जाता है, सिर में तेल डाला जाता है, इसके अलावा साबुन बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, तो तमाम आप ऐसे शैम्पू देखते हैं जिसमें जो नारियल है उसका इस्तेमाल होता है, नारियल के तेल का। ड्राइड फाइबरस मीजोकार्प ऑफ रूट इज यूज टू मेकिंग ब्रशेस, रोप्स, मैट्स, फ्लोर कवरिंग, तो ये जो मीजोकार्प है ये काफ़ी फाइबरस होता है, सख्त होता है, तो उससे ये चीज़ें बन जाती हैं। वुडी एंडोकार्प ऑफ दी फ्रूट, जो वुडी एंडोकार्प जो अंदर के जो सख्त खोल होता है उसको कहते हैं वुडी एंडोकार्प। ये जो है वो बहुत से डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है, आप देखते रहते होंगे अक्सर इधर उधर यूट्यूब पे भी, आप देखिए कि वेस्ट से जो कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं उसमें नारियल के जो खोल होते हैं उसको वुडी एंडोकार्प होता है, उसमें तमाम तरीके की जो डिज़ाइनिंग करके और नए नए इनोवेशन करके उसे बड़ा खूबसूरत सा लोग बना देते हैं। द लार्ज टर्मिनल बड इज यूज एज वेजिटेबल, और जो टर्मिनल बड है उसको अगर फ्रूट नहीं बनना है तो उसको सब्जी की तरह भी लोग खा लेते हैं। तो ये सारे यूजेज हैं बहुत से, साथ ही साथ इसमें ये भी होता है कि नारियल जो है वो धार्मिक तरीके से भी बड़ा शुभ माना जाता है, और हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ खरीदी जाती है तो नारियल तोड़ा जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, और तमाम जगह पे ऐसे काम होते हैं। लगभग सभी धर्मों में जो है कुछ ना कुछ नारियल से रिलेटेड मज़हब का काम ज़रूर होता है, तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है रिलीजियस। तो जब कभी आप एथनोबॉटनी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है रिलीजियस प्लांट्स, उनमें नारियल का प्लांट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा माना गया है कि उसमें इतनी ज़्यादा खासियत है, जिनको कहना चाहिए कि एक तरह से उसको ये मानते हैं कि देवी देवताओं का ये प्रसाद है जो इंसानियत को उन्होंने दिया हुआ है, और भगवान ने ये ऐसी रचना करी है कि अगर नारियल का पेड़ आप लगाते हैं तो लगभग आपकी ज़िंदगी के सारे काम, खाने पीने और पहनने ओढ़ने से लेकर घर बनाने तक में सभी में वो इस्तेमाल हो जाता है, तो इस प्लांट की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है।
अब यहाँ पर ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि ये प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान हमने जो भी चीज़ें ली हुई हैं वो इन्हीं साइट से ली हुई हैं, इन्हीं लिंक से ली हुई हैं। तो आप भी इन लिंक्स को क्लिक करके और भी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं, और जो अपना आपके अपने नोट्स जो आप बनाते हो पढ़ते हो उसको और ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये भी आपके उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसको नज़रअंदाज आप ना करा करिए, क्योंकि इससे आपको वो और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और जानने में कोई गुनाह नहीं है, चीज़ों को हमें जानना चाहिए। और जब भी वक्त है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के हम ये लिंक को ही क्लिक करते रहें, तो जब भी आपके पास वक्त है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, तो आप इनको क्लिक करिए, और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन फैमिलीज़ और प्लांट्स के बारे में आपको मिलती चली जाएगी। तो इसी के साथ ये जो एरिकेसी फैमिली थी, मोनोकॉट की दूसरी फैमिली, ये भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।